खाने लायक नहीं है, फिल्म देखने लायक नहीं है, तुम इसके काबिल नहीं हो और वह तुम्हारे लायक नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल स्पीक विद दरभंगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू पुट इज एम आर, देन यू हैव टू पुट वर्थ, देन वी फोर। अगर वर्थ के बाद अगर कोई वर्ब है तो वो ING फॉर्म में आएगा, अगर कोई वर्ब नहीं है तो जो वर्ड है उस वर्ड को हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है ना? अब अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हम आपको बतलाते हैं कि कैसे ट्रांसलेट होगा अंग्रेजी में। यह खाना खाने लायक नहीं है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? यह खाना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो यह खाना आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस फूड। एंड फूड इज़ अनकाउंटेबल, देन वी हैव टू यूज़ इज़। फूड के साथ क्या आ जाएगा? इज़। दस दिस फूड इज़। अब नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नॉट यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आ जाएगा वर्थ। अब खाना खाना, ये खाना जो है ये वर्ब है ईट, और वर्थ के बाद कोई भी अगर वर्ब आता है तो किस फॉर्म में आएगा? ING फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ईटिंग। सेंटेंस हमारा पूरा क्या हो गया? दिस फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग। फिल्म देखने लायक है, तो फिल्म को हम फिल्म भी कहते हैं और मूवी भी कहते हैं, है ना? द मूवी इज, अब इज हमारा लग गया तो क्या आ जाएगा? वर्थ। फिल्म देखना के लिए हम वॉच का यूज़ करते हैं, एक्टिविटी हम कोई देखते हैं तो, और वॉच का V4 क्या हो जाएगा? वॉचिंग हो जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या हो गया पूरा? द मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, फिल्म देखने लायक है। नेक्स्ट है तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम हमारा सब्जेक्ट है तो यू, और यू के साथ आ जाएगा आर। नेगेटिव है तो नॉट यूज़ कर लेंगे, और ये हो जाएगा वर्थ, और इसके मतलब कोई चीज़ है वहाँ पर इट हो जाएगा, ठीक है? सो यू आर नॉट वर्थ इट, कैसे बोलेंगे? यू आर नॉट वर्थ इट। नेक्स्ट है वह इस जॉब के लायक नहीं है, तो वह हो गया तो ही, ठीक के साथ इज़। नेगेटिव है तो नॉट, फिर आ जाएगा वर्थ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सो ही इज़ नॉट वर्थ। अब इस जॉब के लायक नहीं है तो दिस जॉब, ही इज़ नॉट वर्थ दिस जॉब। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि दरभंगा एक घूमने लायक शहर है, दरभंगा इज़ अ वर्थ विजिटिंग सिटी, है ना? यह दृश्य देखने लायक है, दिस सीन इज़ वर्थ सीइंग, यह किताब पढ़ने लायक नहीं है, दिस बुक इज़ नॉट वर्थ रीडिंग। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। थैंक यू।